हेलो गाइस एंड वेलकम बैक। तो आज वाले वीडियो में मेरे साथ बहुत सारे विलेजर्स के साथ डील हुई। वो लोग बहुत दूर दूर गांव से यहाँ पे बहुत सारा कीमती सामान लेकर आए हैं, लेकिन उन्हें डर है कि उन पे अटैक हो जाएगा और ये सब उनसे छिन जाएगा। हाय आयरन गोलम, इसीलिए तुम्हारे शिवांग ने डिसाइड किया है वर्ल्ड का बेस्ट डिफेंस मैप बनाने का। इसीलिए उन लोगों ने बहुत सारी नई चीज की ट्रेडिंग करी है मेरे साथ, जिसको यूज करके मैं उन्हें बचाऊंगा। और मैंने खुद के मैकेनिज्म से न्यू डिफेंस भी बनाया है, जिससे मैं इनको अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट कर सकूं। तो चलो शुरू करते हैं। उससे पहले आप सारे विलेजर्स सुनो, इस साइड इस घर के अंदर आ जाओ ताकि मैं यहाँ पे पूरा बेस्ट डिफेंस बना दूं। चिंता मत करना, क्योंकि मेरे डिफेंस के बाद कोई भी घुस के तुम्हें टच तक नहीं कर सकता है। तो बहुत सारे ज़ॉम्बीज और पिलेजर अटैक करके इनको लूटने आ जाए। उससे पहले चलो हम लोग इनका बेस बनाना शुरू करते हैं। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मेरे को चारों ओर से इन्हें पहले एक वॉल से घेरना पड़ेगा। ये बहुत ही सिंपल होने वाला है। देखो मेरे को यहाँ पे वॉन्ड लिखना है और मेरे को ये एक नया सा वुडन एक्स मिल जाएगा, और हम लोग इसको ऐसे करके यहाँ पे लगाएंगे और फिर सीधा यहाँ तक आ जाएंगे। और अब देखना तुम लोग जादू, यहाँ पे एक क्लिक करा हम लोगों ने और यहाँ पे करा हम लोगों ने दूसरा क्लिक, और यहाँ पे हम लोग स्टोन ब्रिक वॉल ऐसे करके बना चुके हैं। ऑलराइट, तो हमारा पहला चीज तैयार है। और देखो अभी से ही आगे के वॉल कितने अमेजिंग लग रहे हैं, और अभी तो हम लोगों ने कुछ किया भी नहीं है। तो ये देखो हमारे पास है यहाँ पे नेल, और हम लोग जब इसको उसके सामने लगाएंगे कुछ ऐसा काम करता है ये। तो समहाउ अगर ये गलती से एंटर कर जाते हैं तो उनको सबसे पहले सामना करना पड़ेगा इन नेल्स का। और अब हमें यहाँ वाले ट्रैप के लिए चाहिए पफर फिश का बकेट। अब ये देखना इतना मस्त होने वाला है ना। और साथ में हमें चाहिए ट्रैप डोर। हम लोग यहाँ पे अपना ये पहला बॉर्डर यहाँ का तोड़ के यहाँ पे भरने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ पफर फिश। इसको हम लोग ऐसे यहाँ पे ढेर सारा भर देंगे। जब ये हो गया, अब हम लोगों को यहाँ पे ऐसे ऐसे करके लगा देना है ट्रैप डोर। हियर वी गो, हम लोगों ने ये काम कर दिया। अब जब यहाँ से कोई भी आने की कोशिश करेगा, इनको अपने आप यहाँ से करंट लगना शुरू हो जाएगा इसके आसपास से। और मेरा प्लान सिर्फ इतना ही नहीं है, और अभी ये वाला रो कम्प्लीट नहीं हुआ है। हम लोग यहाँ पे लगाएंगे ये अपना ट्रैप जो की है रिजर्वायर, और इसको हम लोग कुछ ऐसे करके यहाँ पे पूरा लगा देंगे। और यहाँ पे अब जो भी आएगा उनको डबल ट्रिपल डैमेज मिलने वाला है। चलो चलो चलो, आगे का सारा जगह यहाँ पे खोल दो। यहाँ पे हम लोग भरने वाले अपना टॉक्सिन। इस टॉक्सिन का काम भी कुछ वैसा ही है जो कि है जहरीला पानी। जब यहाँ पे मेरे जैसा अच्छा इंसान अंदर जाएगा तो उसे ऐसा डैमेज मिलेगा और नौसिया अलग हो जाएगा। हम लोग यहाँ पे माइन लगाएंगे। अब देखो माइन का काम क्या है, ये यहाँ रखा है और वो एकदम नूप से होते हैं हमारे बॉट जैसे ज़ॉम्बी। इस पे चढ़ेंगे और ये ऐसे फट जाएगा। अब यहाँ पे हमारा आएगा स्नाइपिंग टरेट गाइस, जो कि बहुत ही मस्त है। अब देखो एक हम लोग यहाँ पे ऐसे इस पे लगाएंगे, एक हम लोग यहाँ पे ऐसे इस पे लगाएंगे। इनका काम क्या है ना, एकदम दूर दूर तक के ज़ॉम्बी जितने भी होंगे ना, उनको यहाँ से बैठ के ये एरो फेंक फेंक के मारेंगे। और ये है हमारे पास दूसरा टरेट जो की आस पास के मॉब को तुरंत तुरंत मारता है बहुत स्पीड में। ये दो यहाँ पे लगाएंगे हम लोग, ये दो यहाँ पे, और ये वीर जवान हमारे एकदम सामने में लगे रहेंगे चार, जो की सामने खड़े होकर इनसे फाइट करने वाले हैं। एक्चुअली तुम्हें मैं पांच कर देता हूँ, ओके दोस्त मिल गया। अब हम लोग यहाँ से पहला वॉल कवर करेंगे। अब आएगा यहाँ पे हमारा बहुत बड़ा वाला डिफेंडर, जो कि इस वाले वॉल के एकदम आगे में रह के डिफेंड करने वाला है बेस को। तो ये है हमारे पास काटा डायनामाइट, जो कि डायनामाइट टीएनटी फेंक के इधर उधर सारे मॉब्स को डैमेज देता है, और ये डिटेक्ट करता रहता है आखिर मॉब कहाँ पे है, और वहाँ पे जाके बॉम्ब फेंक देता है। यहाँ से बाहर की ओर तो प्रोटेक्ट करेगा ही, साथ साथ अंदर जो मॉब घुस चुके होंगे उनको भी प्रोटेक्ट करेगा। इसके अगल बगल ज्यादा मॉब ना भटक पाए, इसलिए हम लोग यहाँ पे डालेंगे टॉक्सिन अपना। सेम चीज हम लोग इस साइड भी कर देंगे। और अभी तक में हमारा बेस ऊपर से कुछ ऐसा दिख रहा है, बहुत ही फैसिनेटिंग, कितना मस्त लग रहा है, बनाने में भी मजा आ रहा है यार। ओके, तो हम लोग आगे में यहाँ पे एक और डिफेंस बनाने वाले हैं, जो कि डिफेंस टावर होगा, इन्फर्नो टावर जैसा वर्क करने वाला है। अभी बन जाएगा तो तुम लोग देखना। यहाँ पे ऐसे करके वॉल लगा दिया, यहाँ पे ऑब्सीडियन रखेंगे और ऐसे करके हम लोग चारों ओर से लगा देंगे अपना ये लाइक दिस, और अब जाएगा अंदर हमारा एंड क्रिस्टल। ओके, हमारा गेम को पीसफुल से इजी करना पड़ेगा इसको करने के लिए। अब देखो, अब यहाँ पे हम लोग डाल सकते हैं बहुत सारे गार्डियन इसके अंदर। ओ, एक गड़बड़ हो गई गाइज, हम लोग गार्डियन वाला नहीं बना सकते। वो एक्चुअली जो फट रहा है ना, वो ये सारे बॉम्ब वाले लोग फोड़ दे रहे हैं उसको, क्योंकि गार्डियन भी तो एक मॉब है ना। कब तुम्हें पता है कि इससे क्या प्यारा सा चीज बनता है, राइट? यहाँ पे हम लोग ऐसे दो रखेंगे ऊपर से पंपकिन, और बन गया हमारा स्नोमैन। इसी तरह करके हम लोग उसमें ढेर सारा भर देंगे, और हमारा एक डिफेंस टावर हो चुका है साइड का रेडी। ऑलराइटी, तो दोनों साइड का टावर हमारा रेडी हो चुका है बिल्कुल। और अब हमारे बेस को ऊपर से देखे तो कुछ ऐसा दिखता है, और बहुत अच्छे से इसका डिफेंस वर्क भी कर रहा है स्लाइम के ऊपर। ये देखो मेरे पास है बियर ट्रैप, जो कि कुछ ऐसे वर्क करता है, देखा तुम लोगों ने। अब मॉब्स यहाँ से होकर गुजरेंगे और ये बियर ट्रैप उन मॉब्स को स्लो करेगा, तभी तो ये मेरे सामने वाले टरेट उनकी ऐसी तैसी करेंगे ना। नेक्स्ट अब हम लोग ये वाला लाइन तोड़ के भरने वाले इसके अंदर लावा, क्योंकि सबसे बेस्ट डिफेंस, वन ऑफ द बेस्ट डिफेंस है हमारा लावा, जो कि बहुत अच्छा खासा वाला डैमेज देगा हमारे दुश्मनों को। और ये देखो हमारा डिफेंस वाला बॉल कुछ ऐसे जा रहा है, जो कि बहुत अच्छा खासा डैमेज देगा। इसके पास जो भी आता है वो ऐसे करके डैमेज लेगा। ये देखो, ये जो एंग्रर वाला टरेट है मेरे पास, इसको हम लोग यहाँ पे और यहाँ पे लगा देंगे इसके सामने, क्योंकि ये मॉब को
अपने पास बुलाता है, और जब ये अपने पास बुलाएगा यहाँ पे और भी टरेट बढ़ा देते हैं, ये लोग मॉब्स की ऐसी तैसी कर देंगे। यहाँ पे एक और स्नाइपर टरेट दे दूं तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होगा राइट। तो हम लोगों ने ये भी कर दिया है, परफेक्ट। यहाँ पे हम लोग लगा रहे हैं अपना बार्ब ट्रैप जो कि स्लो डाउन करता है एनिमी को, साथ साथ डैमेज भी देता है कुछ इस तरीके से जैसे तुम लोग देख सकते हो। जब ये ऐसे एनिमी को स्लो डाउन करेगा वो लोग लावा में पक्का ही गिरेंगे। तो गाइस अब मेरे पास हाथ में बहुत खतरनाक सा डिफेंस जिसका नाम है डूम टॉम। ये रात के टाइम में वर्क करता है और जो भी लोग मर चुके हैं ना उनकी आत्मा को जिंदा करके फ्रेंडली बना लेता है और वो डिफेंस करने में हेल्प करवाता है। तो हम लोग रात में भी अगर अटैक कराएंगे तो ये बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। तो हम लोग उसको सामने में रखेंगे और बॉर्डर के बाहर भी रखेंगे एक एक, क्योंकि ये एक्चुअल में बहुत ज्यादा काम आने वाला है। और मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे ये वाला ट्रैप जो है ना इसको थोड़ा दुगना कर देते ताकि थोड़ा देर तक ये लोग स्लो डाउन हो सके। और आई थिंक ये जो नेल है टॉक्सिक वाले सारे जगह हम लोग बिछा सकते हैं यहाँ पे ताकि उनको बहुत ज्यादा दिक्कत हो। और यहाँ पे अब लगा देंगे हम लोग अपना पिट फॉल ट्रैप। अब देखो गाइस ये कितना खतरनाक ट्रैप है, इसको मैंने यहाँ पे लगा दिया और जब मैं इसके ऊपर डर्ट से क्लिक करूंगा ये पूरा का पूरा डर्ट बन जाएगा और जैसे ही कोई इसके ऊपर चढ़ेगा वो सीधा अंदर गिरने वाला है। बट यहाँ पे मैंने ये वाले ट्रैप लगा दिए क्योंकि यहीं से ऊपर आने वाले हैं। तो इसके बाद यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सूना सूना सा लग रहा है, तो इसके लिए भी मेरे पास बहुत अच्छा आइडिया है। हम लोग कुछ ऐसा करने वाले हैं यहाँ पे आस पास में और बीच बीच में होल कर देंगे जहां जहां पे हम लोगों ने छोड़ा है और वहां पे डालेंगे लावा। एकदम खतरनाक सा एंट्री। मैं यहाँ पे सारे कोनों पे स्नाइपर शूटर्स को रख रहा हूँ ताकि और भी प्रोटेक्शन हम लोग बढ़ा सके अपनी। और दो कैटापल्ट यहाँ भी आके डिफेंस को हम लोग को हार्ड करना है तो आई थिंक उन दोनों को सामने भी रख दो तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई करके ये फिश वाला थोड़ा बढ़ा दिया है और यहाँ पे ये वाला ट्रैप भी लगा दिया जो कि बार्ब्ड वायर फेंस। एंड आई थिंक हम लोग पूरी तरीके से रेडी हैं। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं ज़ॉम्बीज़ और पिलेजर को बुलाना। तो चलो लाइट्स ऑफ और पहला वेव शुरू करते हैं। तो देखो सामने एक हाउस बन चुका है जिसके अंदर पूरा खानदान भरा हुआ है ज़ॉम्बीज़ विद स्केलेटन और विचेस का। और विलेजर्स ने मेरे को भी तो हायर किया था डिफेंड करने को, इसलिए समहाउ अगर वो अंदर आ जाते हैं जो कि पॉसिबल नहीं है तो मैं भी डिफेंस करूंगा अपने इन सारी चीजों से। बहुत ज्यादा मजा आने वाला है क्योंकि यहाँ पे हम लोगों का शोडाउन शुरू होने वाला है पहले वेव का। इन 3, 2, 1 एंड गाइस देख सकते हो वो लोग एक करके बाहर आ रहे हैं। मैं हवा में चल के देखता हूँ ऊपर से और हमारे डिफेंस उन्हें पास तक नहीं आने दे रहा। तुम लोग देख सकते हो बहुत स्पीड से हमारा डिफेंस और जो टावर है हमारे तीनों वर्क कर रहे हैं बहुत अच्छे से। कितने सारे एरोज और बैलून्स आई मीन स्नो बॉल्स फेंके जा रहे हैं ब्रो, अंदर ही अंदर खत्म हो गए, वो बाहर तक नहीं निकल पाए। ओ डैम इट कितना तगड़ा बेस है हमारा। और ये देखो अंडेड स्पॉन हो रहे हैं यहाँ पे, वो लोग भी जाके उन्हें पीट रहे हैं। ये देखो जैसे स्केलेटन अभी स्पॉन करके उन सबको पीटने के लिए भेज रहा है इंसान को। एंड इतने सारे ज़ॉम्बीज चुटकियों में खत्म कर दिया हमारे बेस ने। और देखो पीछे से भी कुछ ज़ॉम्बी आ रहे थे और चारों साइड से इस बेस ने अपने को बहुत अच्छे से डिफेंड किया है। मेरी तो जरूरत ही नहीं पड़ी यार, पहला वेव बहुत ही इजिली कम्प्लीट हो गया। आओ चलो अब इसको थोड़ा और हार्ड बनाते हैं और भी ज़ॉम्बीज और मॉब्स डालते हैं। तो वेव 2 के लिए अंदर बैठे हैं थाउजेंड्स मॉब तैयार अटैक करने को हमारे बेस पे। चलो इनको रिलीज करते हैं। ऑल राइट यहाँ पे हमारा हो चुका है वेव 2 स्टार्ट और एक साथ हमारी सारी डिफेंस वर्क कर रही है और ये बच्चे घुस चुके हैं अंदर। नो ओके बच्चे अंदर की ओर आ रहे हैं, सारे बच्चे अंदर की ओर आ गए। यहाँ पे पिगलिंस के भी बच्चे अंदर आ रहे हैं लेकिन बड़े वाले अब तक कोई नहीं आ पाया। यहाँ पे अंडेड बहुत सारे स्पॉन होके बच्चों को पीट रहे हैं और ये देखो एक कोई तो अंदर आ गया। अच्छा ये अपना ही आदमी है। एंड देखो अब वो लोग अंदर की ओर आ तो पा रहे हैं, बेस के कोने तक आए हैं लेकिन एंट्री अभी भी नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारे टावर और शूटर्स बहुत तेज आ रहे हैं। ये लोग अभी भी बाहर नहीं आए, इनको बाहर निकालो। ये हम लोग यहाँ पे रखते हैं ताकि ये लोग डिस्ट्रैक्ट होके अंदर वाले सारे के सारे बाहर आए। ओ यस बच्चे सिर्फ अंदर जा पाए थे जिनको भी पीट दिया गया गाइस। और आई थिंक ये वेव भी हम लोग बहुत इजीली जीतने वाले हैं। एंड यस वेव 2 भी हुआ हमारा इजी विन। कितना सही बेस बना दिया हम लोगों ने यार। वेव 2 भी कंप्लीट हो गया और अब तक कोई बेस को पेंट्रेट भी नहीं कर पाया यहाँ से, ये लावा वाला भी पार नहीं करा किसी ने। वेल देन तो ये वक्त है सबसे हार्ड वेव भेजने का स्पेस में। तो यहाँ पे हो चुका है सेकंड वेव शुरू। हम लोग यहाँ पे इसको फटाफट तोड़ते हैं और ये लोग तो बहुत तेजी से निकल रहे गाइस। ओके तो ये लोग पेंट्रेट कर चुके अंदर और इनकी फ्लाइंग वाली वो भी छोड़ रहे हैं ये लोग जादूगर जो कि ऊपर जाके मारेंगे। और ये क्या, ये लोग पहला वाला चीज पार कर चुके हैं लावा वाला, सेकंड वाले में आके अटक चुके हैं बहुत सारे पिलेजर्स। बट अभी बहुत सारे वहीं बैठ के पड़े। रुको अभी बुफेलोस को तो खोलना पड़ेगा यार कि अब सबके सब बाहर हैं। एंड वो लोग बाहर की ओर क्यों जा रहे हैं? ओके बुफेलोस सीधा अंदर की ओर आ रहे हैं बट वो लोग भी बीच में स्टक है, अभी कुछ भी हो सकता है। हमारे ऊपर वाले टावर बहुत तेजी से अटैक कर रहे हैं बट वेट हम लोग आई थिंक स्लो डाउन हो चुके हैं। हमारा अंदर वाला यहाँ का बॉम्ब फूट चुका है और जितना भी जिंदा करने वाला पावर है वो यूज नहीं हो रहा, हमें टाइम सेट मिडनाइट करना चाहिए। अब यहाँ पे रात के टाइम पे हम लोग स्पॉन करके डिफेंस भी बनाएंगे। ये देखो यहाँ पे शुरू हो गया और ये बुफेलोस बहुत अंदर तक आ चुके हैं बट दे आर स्टिल स्टक, वो लोग आगे नहीं आ पा रहे, एकदम स्लो स्पीड में आगे आ रहे हैं। क्या वो आ पाएंगे अंदर की ओर? और एक बुफेलो पहले ही मर गया। और यहाँ पे देखो यहाँ पे भी इतने सारे लोग स्टक है और आई थिंक मैंने ऑलमोस्ट
1000 पिलेजर्स और उनके सारे टीम को छोड़ा था यहाँ पे, बट सबके सब डिस्ट्रॉय हो गए बीच में ब्रो, कोई भी पेंट्रेट नहीं कर पाया यहाँ पे। लेकिन इन लोगों ने बहुत सारा डिफेंस हमारा तोड़ दिया दूर दूर से, और हवे में भी उड़ उड़ के मारा। देखो हमारे सारे गोलम्स यहाँ पे डेड हो गए एक साइड के, वो लोग साइड साइड से देखो जादूगर अंदर की ओर अटैक करके कैसे हमारे डिफेंस को तोड़ रहा था, बट हमारा डिफेंस अभी भी बहुत सारा बाकी है एंड वी ऑलमोस्ट वॉन दिस वेव एज वेल। अरे विलेजर इधर क्यों भाग के आ रहा है? अच्छा अंदर ज़ॉम्बी आ गए क्या? वो जा रहा है उधर सुसाइड करने। नो, और इसी के साथ इसके लुक से यही लग रहा है कि हम लोगों ने जो बेस बनाया था उसको थाउजेंड ऑफ थाउजेंड्स मोस्ट पावरफुल मॉब भी पार नहीं कर सके। मैं सच बता रहा हूँ, इसमें मेरे को बहुत मजा आया एंड आई होप तुम्हें भी मजा आया होगा इसमें। इसका शायद सेकंड एपिसोड भी मैं बहुत जल्दी बनाऊ क्योंकि बहुत ज्यादा मजा आया और उसमें म्यूटेंट मॉब्स भी होंगे। कल दिन आज के लिए इतना ही था, सब्सक्राइब कर लो अभी तक नहीं करा तो वीडियो को लाइक कर दो एंड मैं चलता हूँ ऐसी मस्त वीडियोस बनाने के लिए। तब के लिए बाय बाय।